जालना में आरक्षण के अभाव में आत्महत्या करने की बात कहते हुए एक मराठा युवक ने सुसाइड नोट लिखकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जालना जिले के पाटुल तालुका में 22 वर्षीय सदाशिव शिवाजी भूमर की आत्महत्या के बाद एक बार फिर मराठा आरक्षण का मुद्दा उठा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने कहा कि जालना में एक मराठा युवक की आत्महत्या एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, आपको सब्र करना होगा। आरक्षण पर बोलते हुए अशोक चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमारे पास सीमित विकल्प है। सांसद में आरक्षण का मुद्दा आने पर 50% की सीमा हटा दी जाती तो मामला आसान हो जाता। यह मुद्दा महाराष्ट्र या मराठा ओबीसी समुदाय तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में एक समस्या बन गया है। अतिशय दुर्दैवी बाब आहे, जालन्यामध्ये जे घडलं ते खरं म्हणजे थोडंसं आपल्याला संयमाने घ्यावं लागेल। सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर आपल्याकडे फार मर्यादित पर्याय उपलब्ध आहेत। खरं म्हणजे ज्यावेळी संसदेमध्ये हा विषय आला त्यावेळेस जर 50%ची मर्यादा काढून टाकली असती तर कदाचित अधिक सोपं झालं असतं, परंतु केंद्र सरकारने आपल्याला त्यावेळेस साथ दिली नाही। हा विषय फक्त महाराष्ट्रापुरती नाही तर आता पाहतोय की 50%ची मर्यादा ओबीसींच्या बाबतीत आलेली आहे, मराठा समाजाच्या बाबतीमध्ये आलेली आहे, राजकीय आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये आलेली आहे। तर आता ह्याला वेगवेगळ्या मार्गाने मराठा आरक्षण मिळालं पाहिजे ही शासनाची प्रामाणिक भूमिका होती आणि आजही आमचा पाठपुरावा आता पुन्हा कमिशन आपल्याला राज्य सरकारची अजूनही रिव्ह्यू पिटिशन अद्यापही सर्वोच्च न्यायालय प्रलंबित आहे। कैमरा पर्सन माइकल के साथ अभिषेक पांसे, BCN News, नागपुर।